They don't have time to come even for half an hour. I'm at my party. MLS, bole tu ka MLS. I'm sorry. No. MLS, mutao. Assembly. At the assembly, hai the. So, oi, no. They should show support all the opposition. Now even BJP workers, supporters. Ami particular government a target ko nahi. We are targeting the EVM machine. EVM machine. So BJP che munis thode pida dale, thode jikle, Congress a jikle pida dale, Aam Aadmi jikle pida dale. So we want support. Just to change. Ani kahe nu? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस देश के लोगों को एक दिन अपनी और अपने जो औलाद है अपने जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अब तय आपको करना है वो लड़ाई आज लड़ोगे, दो साल बाद लड़ोगे या सौ साल बाद लड़ोगे। जितनी देर में लड़ोगे उतना ही बड़ा नुकसान होगा। आज लड़ लोगे कम से कम नुकसान होगा। और एक चीज बताकर बात अपनी खत्म करूंगा। लोग कहते हैं कि समय बहुत कम रह गया, इलेक्शन तो सर पे है, कैसे रोकोगे ईवीएम को? भाई कहां समय कम है भाई? ये जो मशीनें होती हैं इन मशीनों को इंस्टॉल करने में, बूथ तक पहुंचाने में पिछले तकरीबन एक साल से काम होता है, एक साल से, और उसके बाद ही बूथ तक पहुंचते हैं। एक साल बैलेट पेपर को कितना समय लगता है छपने में? जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट होती है उस दिन शाम को 3 बजे यह निश्चित होता है कि अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन लोग कैंडिडेट हैं। 3 बजे के बाद वो लिस्ट बनती है, 5 बजे वो लिस्ट आपको बोर्ड पर लगा दी जाती है और हर किसी को पता लग जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन कैंडिडेट है। उसके बाद बैलेट पेपर छपने जाता है तो मात्र 8 दिन में बैलेट पेपर छप जाता है और मशीन को 1 साल लगता है पूरा वहां से लेके वहां सबके इंस्टॉल करने में। फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, देन फिर चेकिंग होती है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर वहां से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जाती है, फिर बूथ पे जाती है। और मशीन का खर्चा बहुत ज्यादा है, केवल ईवीएम मशीन ही 18,000 की है, बाकी वीवीपैट और वो जो आड़ंगा वो अलग, इतनी महंगी है। सो समय की कमी नहीं है। और इसके अलावा भी अगर समय चाहिए तो भारत के संविधान में यह प्रोविजन है, यह प्रावधान है कि इलेक्शन अगर परिस्थिति ऐसी हो जाए तो 6 महीने टाले जा सकते हैं। और देश को बचाने के लिए 6 महीने नहीं, अगर 1 साल भी टालने पड़े तो भी किसी बात की चिंता नहीं है, टालेंगे जभी जब हम सब देश के कोने कोने में, आप यहां गोवा में हैं, गोवा का कोई कोना ऐसा ना रह जाए जहां ये ईवीएम की आवाज घर घर तक न पहुंचे, किसी भी प्रदेश का कोई कोना ऐसा ना रह जाए जहां पर आवाज घर घर तक ना पहुंचे, और कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर भक्तों के घरों को छोड़ के ऐसा ना रह जाए जहां से हर व्यक्ति निकलकर मैदान में ना आए। भाई हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्या जवाब देंगे अपनी औलादों को, अपने बच्चों को? हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी तो आज हम यहां तक पहुंचे हैं, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो अपनी औलाद से आंख मिला पाएंगे क्या? कम से कम मैं तो ये नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तो पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। जो होगा सो देखा जाएगा, जब तक जिंदगी है तब तक कोई मार नहीं सकेगा और जिस दिन मौत आई है उस दिन कोई बचा नहीं सकेगा, लेकिन जब तक जिंदा है जिंदा रहने का उदाहरण पेश करेंगे और पूरी जी जान और ताकत के साथ में लड़ेंगे। आपको भी लड़ना होगा साथ हमारे का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जीत रही है, यह संयुक्त मोर्चे का मुद्दा नहीं है। मुद्दा संयुक्त मोर्चे का यह है कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसका परिवार उसी के इलेक्शन में काम करता है, उसकी माता, उसका पिता, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, और जब रिजल्ट निकलता है तो जिस बूथ पर वो वोट देने के लिए जाते हैं वहां पर उनका वोट 0 निकलता है। तो ये ईवीएम सच के दायरे में आई, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
और मध्य प्रदेश के अंदर 3 प्रत्याशी इस इलेक्शन में ऐसे रहे जिनका वोट खुद का अपना वोट प्रत्याशी का 0 निकला। अब सवाल यह है कि जिस आदमी ने चुनाव लड़ा, हो सकता है उसकी घरवाली ने वोट ना दिया हो सकता है उसकी माँ ने वोट ना दिया, उसके बाप ने वोट ना दिया हो, लेकिन प्रत्याशी का खुद दिया हुआ वोट, वो वोट आखिर कहां चला गया? यह आज सवाल है चुनाव आयोग से, वो चुनाव कहां चला गया वो? और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 1 मिनट का, एक बूथ, पर्टिकुलर बूथ की बात बता रहा हूं। उस बूथ पर मात्र 90 वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 90। और वहां पर 70% इलेक्शन होता है, कास्टिंग होती है, तो वोट निकलने चाहिए 63। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग होने के समय जिस बूथ पर मात्र 90 वोट थे वहां पर वोट निकले 171। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? क्योंकि जो कैंडिडेट हारा भाई वो तो हल्ला करेगा, जो हारेगा वो तो हल्ला करेगा, तो जब उसने वहां पर हंगामा किया तो आनन फानन में चुनाव आयोग ने अपने 5 संबंधित अधिकारियों की जहां पर ड्यूटी थी उनको सस्पेंड कर दिया। और हम आज उनसे ये कह रहे हैं कि आपने उनको सस्पेंड किया या टर्मिनेट किया या तुम्हारा ड्यूटी पे लिया, ये हमारा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस बूथ पर टोटल वोटर की संख्या ही मात्र 90 है वहां पर 171 वोट इस ईवीएम मशीन से कैसे निकल गए? ये सवाल है या नहीं है? सवाल यह है कि चंद्रयान पे गया हुआ सैटेलाइट अगर यहीं से रिमोट से कंट्रोल हो सकता है, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी का चैनल अपने आप बैठ करके बदल सकते हैं, आज हवाई जहाज उड़ने वाला अगर रिमोट से कंट्रोल हो रहा है और दिल्ली में मेट्रो बिना ड्राइवर के रिमोट से चल रही है, बिना ड्राइवर के चल रही है, तो सारी चीजें यहां पर रिमोट से हो सकती है। तो चुनाव आयोग आज घर घर भेज करके मशीनें ये कह रहा है कि ये मशीन हैक नहीं हो सकती, शर्म की बात है या नहीं है? और 2 चुनाव कमिश्नर जिनके कार्यकाल में पहले मोदी जी की सरकार बनी वो आज मोदी जी की वकालत करने के लिए मार्केट में उतारे गए, वो आज कह रहे हैं, एक है मिस्टर कुरैशी और दूसरे रावत जी, वो कह रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं। क्या है दलील? वो दलील दे रहे हैं कि इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। और फिर अगले दिन उनका बयान आता है इसमें 2% की एरर हो सकती है। अब मैं जानना चाहता हूं इस जनता से कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस देश में 10 लाख वोटर होता है, गोवा में तो कम है, बाकी जगह 10 लाख है। अरे 10 लाख वोट अगर पड़ेगा और 2% का एरर है तो 20,000 हुआ या नहीं हुआ? सीधा सीधा हुआ। एंटोनी साहब, यहां पर हम अपने आप को कहते हैं कि भारत देश इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो जहां 20,000 वोटों का प्लस माइनस होता हो और यहां पर जो 1 वोट से जीतता है वो पार्लियामेंट जाता है, जो 1 वोट से हारता है वो अपने घर बैठकर रोता है, यही सच्चाई है। जो 1 वोट से ज्यादा वोट लेता है वो आदमी विधानसभा में एमएलए बनता है, और जो 1 इलेक्शन से लूज कर जाता है वो कभी विधानसभा में नहीं जाता। तो जिस देश के लोकतंत्र के अंदर 1 वोट की कीमत है वहां पर 20,000 वोटों की वेरिएशन और एरर की जो मशीन है, यहां से सच्चा लोकतंत्र की स्थापना देश में कैसे हो सकती है, ये आज सोचने का सवाल। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर YouTube एंड Facebook चैनल फॉर मोर वीडियोस।